अरे यार, अभी ये इन दिनों न्यूज़ पढ़ रहा था मैं। सुनाई दिया कि अमेजोन ने 10,000 लोगों को निकाल दिया नौकरी से। सच है क्या? तुम लोगों ने सुना क्या ऐसा? हाँ भाई, सैडली दिस इज ट्रू। पर उसमें पता है, लास्ट ईयर एक फोर्ब्स मैगजीन का रिपोर्ट आया था, उसमें दे वर टॉकिंग अबाउट इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस ऑफ अमेज़न एम्प्लॉइज। सो इन ऑर्डर टू हैव दिस टर्न अराउंड टाइम, अमेजिंग टर्न अराउंड टाइम, दे विल हैव वेरी वर्स वर्किंग कंडीशंस फॉर देयर वेयर हाउस एम्प्लॉइज। सो यू नो दे गेट एक आधे घंटे का ब्रेक, 2 15 मिनट के ब्रेक, और 15 मिनट का ब्रेक तो कैसा, मतलब बाहर तक जाओ और वापस आओ उसमें भी 15 मिनट हो जाए, मतलब वेयर हाउस, अमेजोन वेयर हाउस, यू कैन इमेजिन हाउ पिक वुड दैट बी। तो बाथरूम या लू ब्रेक भी नहीं देते थे, फिर ये सिक लीव भी नहीं देते थे, यू नो यू हैव टू प्लान योर सिक लीव एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मतलब SLAs भी ऐसे के पानी पीने जाओ तो उसमें राइटअप मिल जाए, तो आई थिंक ये ऐसा तो है मेरे स्लेवर ही है हिसाब यार, ये तो सही में स्लेवर ही है। से। या मैन Apparently, it seems like the only thing worse than getting laid off by Amazon was working at Amazon itself. at least वो 10,000, वो 10,000 लोग जिनको फायर किया, वो लाइफ में इतनी तरक्की कर पाएंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि यार, इन्फ्लुएंस बन जाना चाहिए इन लोगों, जो 10,000 लोग फायर हुए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का स्कोप बहुत है। और एक बार बन गए, निकल पड़ेगी। और फिर तुम ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज अमेजोन से ही सेम डे पे तुम डिलीवरी सेलेक्ट करके ऑर्डर कर पाओगे। और फिर जेफ जेफ बेजोस को ऐसे टैग कर करके वीडियो भी बना सकते हैं ये लोग कि देख जेफ, 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर चला जाएंगा इसमें, तेरा घर जाएगा। Welcome everyone to the 12th episode of Cinco Elementos podcast, and today we will be discussing about the layoffs happening across the globe. आई थिंक दिस ऑल स्टार्टेड फ्रॉम ट्विटर। आई थिंक एलोन मस्क ने जैसे ही ट्विटर को खरीदा, उसने सीधे आई थिंक 4,000 साढ़े 4,000 लोगों को फायर कर लिया। और मैंने आज ही कहीं पे पढ़ा कि ही इज प्लानिंग टू फायर मोर एम्प्लॉइज। Oh man. और यहाँ पे इंडिया में बाकी सब लोग तैयार बैठे, कू वाले, ये वाले, सबको लेने के लिए। कि भाई, मतलब यहाँ पे इंडिया में टैलेंट कम पड़ गया, वहां से जो फायर हुआ उनको तुरंत हायर कर लेंगे। सही है। और अभी रिसेंटली तो उसके ट्विटर के किसी इंजीनियर ने कुछ क्रिटिसिज्म वाला ट्वीट कर दिया था पब्लिकली, तो इलोन ने क्या किया, उसी ट्वीट पे रिप्लाई करके उसको फायर कर दिया। आई मीन, व्हाट वर्स कैन हैपन टू यू, गेटिंग फायर्ड ऑन द इंटरनेट इन फ्रंट ऑफ द होल वाइड वर्ल्ड। मैं सोचता हूँ यार, ऐसे संकी एम्प्लॉयर्स के साथ काम करना से अच्छे बेटर है कि तुम US में ना अनएम्प्लॉयड रहो। ओके, वहां पे गवर्नमेंट तुमको बहुत सारे बेनिफिट भी देती है, ठीक है, शायद कुछ हर महीने कुछ आ जाते हैं डॉलर्स, ठीक है, तुमको गुजारा चल जाता है, तो वो ठीक है ना यार। अरे एक्चुअली पता है, उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे तुम जाके चेक कर सकते हो कि कितना पैसा मिल सकता है। तो मैं ऐसे ही, मतलब रिसर्च के लिए ऐसे चेक कर रहा था। तो मान लो फॉर एन एग्जांपल कि क्वार्टर वन में तुम घंटे के $20 कमा रहे हो, ठीक है, और मान लो क्वार्टर टू में तुम्हारी नौकरी चली जाती है, तो एस्टिमेटेड करीब $450 अनएम्प्लॉयमेंट वीकली है, $450 वीकली अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। यानी करीब करीब ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया महीना तुमको सिर्फ घर बैठने का मिल रहा है US में, सोचो। सही है यार। नाइस लोकेश, तू अपने एक काम कर लोकेश, कपड़े भरना चालू कर दे, पहली फ्लाइट लेके निकल तू US, निकल। महीने 1.5 लाख रुपया तो सिर्फ कुछ ना करने का मिलेगा, अगर बाकी बाकी तेरे वाले लोग जूतों की दुकान खोल दे उधर, तो मतलब चांदनी चांदनी। घर से भेजने का। अबे मुंगेरी लाल को हसीन सपने क्यों दिखा रहा है बे? ऐसे ही थोड़ी 1.5 लाख देंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए बे। वहां थोड़ी केजरीवाल की सरकार खड़ी बैठी है कि ऐसे ही पैसे बांटेगी, लो काफ्रो। बट यू नो फॉर अ फैक्ट दैट्स द ओनली वे आई कैन इमेजिन केजरीवाल बिकमिंग हेड ऑफ द नेशन, यू नो, एंड इंडिया बिकमिंग नंबर वन सुपर पावर इन द सेम लाइन। सो बोथ दीज थिंग्स, यू नो, बिकमिंग इन द सेम लाइन, सो हाउ
क्योंकि वो वहां पे प्रेसिडेंट बनेगा, वहां की इकोनॉमी की वाट लगा देगा, और यहां से निकलेगा तो इंडियन की इकोनॉमी एकदम सुपर हो जाएगी, मतलब दैट्स द ओनली वे इट कैन हैपन। पर 1.5 लाख के चक्कर में भाई अगर लोकेश को यूएस भेज दिया तो इसको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाला सबसे पहले धर लेंगे, बोलेंगे कि भाई इसको यहीं रोक लो, नहीं तो अगले 5 साल में अमेरिका को सिंधी राष्ट्र बना देगा। भाई वापस आ जाओ इंडिया में, अपने यूएस की बातें नहीं करनी है, अपने इंडिया की बातें करते हैं। और उस पे याद है मेरे को कि बायजूस ने भी बहुत सारे ले ऑफ रखे हैं। उन्होंने हाँ भाई, कितनों को निकाला अभी? आई थिंक दे लेड ऑफ अराउंड 2300-2500 पीपल। वाह, सही है ना, तो अभी ऐसे ही तो प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट में चला जाएगा। ठीक है, 2500 लोगों को फायर किया है तो उनका कॉस्ट तो बचेगा ना। सही में। हाँ, पैसा तो बचा, बट उसमें बाइजूस ने क्या ब्रिलियंसी दिखाई कि वो लायनल मेसी को ले आए ब्रांड एम्बेसडर बना के, तो सब खर्चा वहां पे हो गया। मैसी बेचारे को पता भी नहीं होगा कि वो एक ऐसी कंपनी को प्रमोट कर रहा है जिसका वर्क कल्चर दुनिया में सबसे खराब है। आई मीन क्या पता कि मैसी को भी पैसे मिले ना मिले। पैसों का तो पता नहीं है, पर वहां का जो वर्क कल्चर है ना, जो टॉक्सिक वर्क कल्चर, एकदम बेकार है। पता चला कि ये लोग ना मैसी को ही बिठा देंगे, भाई अब ले तू भी एक दो क्लास ले ले, तेरे को लिया है तो कहीं से वसूल करे। और मैसी पता ऐसे बोलेगा, ओला मी नोम्बर एस मैसी, यो सोय सु नुएवो प्रोफेसोर, वामोस एम्पेसार। क्या बोला बे और उसको या ये समझने के लिए स्पेनिश सीखने का कोर्स भी ये लोग ही बेचेंगे 50-50 हज़ार में। लो लो आओ देख स्पेनिश देख, मैसी को इंग्लिश तो आती नहीं है तो स्पेनिश ही पढ़ाएगा ना। सी इंग्लिश में स्पेनिश में पढ़ाएगा। दिस साउंड लाइक, मेरे को वो एक फेमस मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, तो मैसी हजारों मुर्गी लाखों अंडे देगी, लाखों अंडे से करोड़ों मुर्गियां, और उनके कई करोड़ अंडे, और उनमें से करोड़ों ऑमलेट, और वो ऑमलेट खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही बनाऊंगा। ब्रेड का बादशाह, ऑमलेट का राजा, बजाज हमारा हमारा बजाज। बजाज राजा मैं हूं, मार्क यहाँ है। गया भाई लोग अभी इंडिया की बात कर रहे हैं तो एक कंपनी ऐसी भी है जिसने भी फायर किया लोगों को, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों किया है। ठीक है, अब उस कंपनी का कौन नाम है से जोमाटो। जोमाटो तो बोला उसका पूरे ऐसा इंडिया होगा। में, पूरे इंडिया में 300 लोगों को फायर किया है। उसका ऐसा क्यों होगा पता कि नहीं। बाकी सब कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूं थोड़ा, चलो कर देते अतीत हैं, मौका भी है दस्तूर भी है। अतीत, तेरे को भी उन्हीं लोगों ने फायर किया है क्या, जोमेटो की शर्ट पहन के बैठा है तू? सुबह आज 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 डिलीवरी कर रहे, पार्ट आज डिलीवरी करने निकला, मैसेज आया कि यू आर फायर्ड, तो बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ गया। टाइम बेचारा मुझे उमंग लग उधर रहा है भूखा भाई। है, उमंग उधर भूखा है, ऑर्डर करके राह देख के बैठा है। और ये आया नहीं। साहब की कार खराब हो गई थी। पर पता है, दो दो कंपनियां हैं जिनका नाम मुझे याद आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वो कंपनियां कभी मार्केटिंग में पीछे नहीं रहती। एक तो जोमाटो और दूसरी है ड्यूरेक्स, बस और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। Thank you everyone for watching this wonderful episode, and please let us know your thoughts in the comments, and if we missed out any other layoffs, you know where to post the comments.